नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने बड़ा ही आसान और प्यारा सा बॉर्डर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ी ही आसानी से और झटपट बढ़ जाने वाला बॉर्डर का डिज़ाइन है, जिसे आप कार्डिगन्स पे, स्वेटर्स पे, शॉल्स पे, कैप्स पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, बड़ा ही प्यारा दिखेगा। और ये सिंपली हमने सीधी सिलाइयाँ बुनते हुए इसको बनाया है, सारे फंदे हमने सीधे सीधे बुनने हैं और ये हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। और ये जो बॉर्डर है, इसके लिए हमने 7 का मल्टीपल लेना है, 7 फंदों का मल्टीपल करते हुए हमने लेना है और एक फंदा हमने एक्स्ट्रा लेना है। यानी कि आपने जितनी बार ये बॉर्डर बनाना है या जितने आपके फंदों को आपने लेना है अपने प्रोजेक्ट के अनुसार, उनको 7 से मल्टीप्लाई करके और साथ में एक फंदा हमने एक्स्ट्रा लेना है। तो ये देखिए, ये मैं एक प्रोजेक्ट अपना बना रही थी, बेबी स्वेटर बना रही थी, कार्डिगन छोटा, तो उसके लिए मैंने ये देखिए एक साइड का पेज है ये, तो ये साइड पे मैंने इसके लिए बटन पट्टी बनानी है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा फंदे यहाँ पे ले रखे हैं। तो इसके लिए मैंने ये देखिए इस तरह से बॉर्डर बनाया, तो ये बड़ा ही प्यारी लुक इसकी आई है। देखिए आप, ये दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है। इस तरह से बॉर्डर लगाने से क्या होता है कि आपको कार्डिगन के नीचे एक्स्ट्रा टेसल्स या क्रोशिया से कटवर्क का डिज़ाइन या कोई और तरह से आप कोई भी फ्रिल लगाना चाहें, तो उसके लिए आप इस तरह से बॉर्डर लगा लेंगे, तो इसके ऊपर से आप सीधी बुनाई कर सकते हैं, तो उस चीज़ की आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सैंपल के लिए यहाँ पे मैं आपको 2 बार इस डिज़ाइन को बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 15 फंदे ले लिए हैं, 7 का एक बनेगा डिज़ाइन, 7 का एक और एक एक्स्ट्रा फंदा ले लिया मैंने यहाँ पे। ये देखें इस तरह से ये 2 बार डिज़ाइन बनेगा। आपने अपने प्रोजेक्ट के अनुसार ही फंदों को 7 के साथ डिवाइड करके उतने आपके डिज़ाइन इसमें बन जाएंगे। तो ये देखें, फर्स्ट रो आ गई हमारी, राइट साइड है ये। सबसे पहले हमने फंदे डाल लेने हैं और उसके बाद फर्स्ट रो राइट साइड में हमने सारे फंदे जो हैं सीधी बुनती बुननी है, यहाँ पे सीधी बुनाई करनी है। ये बड़ा ही आसान पैटर्न है, इस बॉर्डर को बड़ी आसानी से बिगनर्स भी बना सकते हैं और जिनको सिर्फ क्रोशिया बनाना है और नीचे इस तरह से बना के ऊपर से क्रोशिया से भी वो बुनाई कर सकते हैं। तो ये एकदम से लेस जैसा डिज़ाइन बन जाता है बॉर्डर का। तो ये देखिए, फर्स्ट रो में हमने सारे फंदे सीधे ही बुनाई करने हैं। फर्स्ट रो में हमने नीट आल स्टिचेस करने हैं। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी सेकंड रो आ गई रॉन्ग साइड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे फंदे इसमें सीधे बुनते हुए ही बनाने हैं, तो सेकंड रो रॉन्ग साइड भी हमने सीधे फंदों की बुनती बुनते हुए इसको बनाना है। तो सेकंड रो में भी हमने सारे जो स्टिचेस हैं उनको निट करना है। सेकेंड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आ गई हमारी थर्ड रो राइट साइड। थर्ड रो में भी हमने सारे फंदे सीधे बुनने हैं, नीट ऑल स्टिचेस इन थर्ड रो। और इसी तरह से हमने फोर्थ रो भी, रॉन्ग साइड में भी हमने सारे पर्ल जो भी स्टिचेस हैं उनको हमने निट करते हुए जाना है, यानी कि उनके भी सीधी बुनाई करनी है। सीधे फंदे बुनते हुए हमने ये फोर्थ रो भी कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद फिफ्थ रो से हमने राइट साइड से हमने डिज़ाइन को बनाना है। आप चाहें तो 4 की जगह, अगर बॉर्डर चौड़ा करना चाहती हैं तो 4 की जगह नीचे 6 सिलाइयाँ भी बुन सकती हैं सीधे सीधे फंदे बुनते हुए। तो ये इस तरह से 4 सिलाइयों से इस तरह से इसकी लुक आ जाएगी। यहाँ पे आप 6 सिलाइयों में बुन सकती हैं अगर आपको बॉर्डर चौड़ा चाहिए तो। अब ये हमारी फिफ्थ रो आ गई है राइट साइड। तो इसमें जो हमने एक्स्ट्रा फंदा लिया था एक, उस फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे स्लिप भी कर सकते हैं पहले फंदे को, और हम यहाँ पे बुन के इस तरह से बना रहे हैं। फिर उसके बाद अगले जो सारे फंदे हैं, इस तरह से 3 बार धागा घुमाते हुए हमने
सीधा फंदा बुनना है। ये देखें, दो और ये तीन बार मैंने धागा घुमाया और इस फंदे को सीधा बुन लिया। फिर अगला फंदा लिया, उसको इस तरह से धागे को घुमाते हुए दो और तीन, तीन बार हमने धागा घुमा के फंदे को सीधा बुन लेना है। और इसी तरह से हमने ये लास्ट तक सारे फंदे कंप्लीट करने हैं। इस डिज़ाइन को फिफ्थ रो से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और ये फिफ्थ रो राइट साइड है हमारी। तीन बार धागा घुमाया और सीधा फंदा हमने बुन लिया। ये देखें, हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। लास्ट वाला फंदा भी हमने उसी तरह से तीन बार धागा घुमाते हुए सीधा बुन लिया। सिर्फ पहले वाला फंदा हमने सीधा उतारा है। आप चाहें तो उसको स्लिप भी कर सकती हैं, तो बुन भी सकती हैं, पर उसको सिंपल बुनना है। बाकी वाले को हमने धागा घुमाते हुए इस तरह से उसकी बुनाई करनी है। अब आगे रॉन्ग साइड हमारी सिक्स रो। अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको। अब इस तरह से सिलाई के साथ हमने जो फंदे ट्विस्ट करके डाले थे, बनाए थे, उस धागे को जो हमने तीन बार लपेटा था, उसको सिलाई भी हमने खोल लेना है इस तरह से। और हमने इस तरह से सात फंदे खोलने हैं। जैसे कि ये डिज़ाइन सेवन का मल्टीपल है, तो सात फंदे हमने इसके इस तरह से खोल लेने हैं। ये देखें, दो चार छः और सात, सात हो गए। अब इसको हमने दूसरी सिलाई पर फंदों को चढ़ा लेना है इस तरह से, ये देखें। और इन सातों फंदों का हमने एक फंदा बुन लेना है। सात फंदों का एक फंदा करना है हमने, और ये उल्टा बुनना है। ये देखें, इस तरह से उल्टी बुनाई से ये बुनना है, और इसको छोड़ देंगे इस तरह से। अब ये सात फंदों का एक फंदा हो गया, ये देखें। अब उंगली को इस तरह से हमने लेके भूल को ट्विस्ट करके इस तरह से हमने छः फंदे और डालने हैं एक्स्ट्रा यहाँ पे, क्योंकि हमने सात का एक फंदा किया और छः फंदे हमें और चाहिए, ताकि हमारे जो फंदे हैं वो हमारे बराबर हो जाएँ। तो यहाँ पे हमने छः फंदे इस तरह से ट्विस्ट करते हुए भूल को उनको फंदे यहाँ पे छः हमने बना लेने हैं। बड़ी आसानी से डल जाते हैं ये। थोड़ा ढीला रखेंगे इसको, क्योंकि जब हम इनको बुनेंगे ना तो थोड़ा सा वो सिलाई में टाइट हो जाते हैं। तो इस वक्त फंदे डालते हुए हमें थोड़ा सा भूल को लूज़ रखना है। चलें, ये छः फंदे हो गए, एक पहला था और ये सात फंदे हमारे कंप्लीट हो गए। तो अगला डिज़ाइन अब फिर बनाएंगे, दूसरी दो बार बना रही हूँ मैं, तो अगले में फिर हमने उसी तरह से सात फंदों को जो ट्विस्ट करके भूल डाली है उसको खोलेंगे। ये देखें, सात हो गए। अब ये सातों हमने स्टिच जो हैं फंदे इस पर डाल के इस तरह से सात का एक कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पे धागे को हमने भूल को टाइट कर लेना है। अब हमने जो स्टिचेस डालने हैं वो इस तरह से उंगली को लेके इस तरह से उनको घुमाते हुए ट्विस्ट करते हुए बड़ी आसानी से छः फंदे और डाल लेने हैं। तो ये हमारे फिर से टोटल सात फंदे बन गए। दो तीन चार सात, ठीक है। अब ये आ गया लास्ट का हमारा एक फंदा जो हमने एक्स्ट्रा लिया था, उसको हमने उसी तरह से उल्टा बुन लेना है। तो इस तरह से ये लुक इसकी बॉर्डर की आ गई। ये हमारी सिक्स सिलाई होगी। हम राइट साइड आ गए, हम सेवन्थ रो हमारी आ गई, सातवीं सिलाई। अब सेवन्थ रो में, सातवीं सिलाई में हमने सारे फंदे सीधे बुनते हुए जाना है, और जो फंदे हमने सिलाई पे एक्स्ट्रा बनाए थे उनको बड़ी आसानी से आराम से बनाना है, क्योंकि उनको सिर्फ हमने ट्विस्ट करके और बूल को डाला हुआ है फंदों को, तो उनको बड़ी आराम से बनाना है। ये देखें, इस तरह से हमने सारे फंदे जो हैं सीधे बुनते हुए सिलाई को कम्प्लीट करना है। ये सेवन्थ रो आ गई हमारी डिज़ाइन की। बड़ा ही आसान बॉर्डर है और इसकी लुक इतनी प्यारी आती है। मैंने बेबी कार्डिगन बनाया, उस पर मैंने ये वाला बॉर्डर लगाया, बड़ा ही प्यारा आया। उसकी बैक साइड का बनाया मैंने, बड़ा ही प्यारा आया। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। ये देखें इस तरह से। अब रॉन्ग साइड आ गई हमारी एट्थ रो। एट्थ रो में हमने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं, और उसके बाद नाइन्थ रो राइट साइड से हमने अपना पैटर्न, जो भी आप ऊपर कार्डिगन बना रहे हैं, स्वेटर बना रहे हैं, कुछ भी पैटर्न बना रहे हैं, प्रोजेक्ट आपका जो भी है, उसके अनुसार आपने उसके ऊपर आगे बना लेना है।
तो ये बेसिकली 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है। स्टार्टिंग में मैंने 4 सिलाइयाँ जो है वो सीधे फंदों से बनाई हैं, आप चाहें तो नीचे 6 भी कर सकती हैं, पर 6 से ज़्यादा मत करिएगा, फिर बड़ा ज़्यादा चौड़ा दिखना शुरू हो जाता है बॉर्डर। तो इस तरह से आप इसको बनाइएगा। ये देखिए 8th रो भी हमारी रॉन्ग साइड सारे फंदे सीधे बुनते हुए कंप्लीट हो गई। देखिए कितनी प्यारी लुक आई है इसकी। ये सिर्फ 2 बार ही डिज़ाइन बना है, जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे बनाएंगे तो बड़ी प्यारी लुक आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ये देखिए मैंने एक इस रंग पे भी मैंने इसको बनाया। ये देखिए आप इसको किसी भी रंग में बनाएंगे आपका बड़ा प्यारा लुक आएगा प्रोजेक्ट का। ये देखिए तो मैरून कलर में भी अपनी ही लुक है और इस कलर में भी बड़ी अपनी ही लुक है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करिए, किसी भी रंग पे इस्तेमाल करिए, बहुत ही प्यारा और बड़ा ही आसान पैटर्न है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।